नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। कौन माता नहीं चाहती है कि उनकी संतान हमेशा खुश और आनंद रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भाव उसी समय से शुरू हो जाता है जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं। हाँ, तभी से हर गर्भवती चाहती हैं कि उनकी संतान गर्भ में हर पल खुश और आनंद रहे। तो आज मैं आपको गर्भवती के वही 8 काम बताने जा रही हूँ जो आज साइंस के द्वारा भी प्रूफ हो चुके हैं कि जब यह माँ करती है तो गर्भ में बच्चा आनंद से भर जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप हंसने लगते हैं तब आपका जो पेट में बच्चा है वो भी हंसने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड से भी यह पता चला है, जब उनकी माँ हंसती है, खिलखिलाती है, तो भ्रूण भी ऊपर और नीचे की ओर उछलने लगते हैं। माँ के हंसने से खुशी के हार्मोन्स भी निकलने लगते हैं, जिससे अंदरूनी रूप से आपको और आपके संतान को बहुत अच्छा महसूस होता है। इसीलिए अधिक से अधिक सकारात्मक रहिए और खुश रहिए, क्योंकि इसका सीधा फायदा आपके पेट में जो होने वाले बच्चे हैं उन पे असर हो रहा है। नंबर 2, आराम का समय। डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि जब आप आराम करते हैं तो अंदर में जो संतान है उनको एक खुला समय मिलता है अपने मौज मस्ती के लिए। इसलिए यह कहा जाता है कि गर्भवती को दिन में भी कुछ समय आराम करना ही चाहिए, और इसीलिए आप उसे अनुभव भी करते होंगे कि रात के वक्त आपके अपने बच्चे की हलचल भी महसूस होने लगती है। नंबर 3, नियमित व्यायाम करें। कई डॉक्टरों को मानना है कि माँ नियमित रूप से व्यायाम करती हैं तो बच्चे का दिल बेहतर विकसित होता है, उनका शरीर मजबूत होता है, साथ ही शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपकी तनाव को कम करता है और बच्चे के विकास के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी है कि हम किसी स्पोर्ट के गाइडेंस से ही डॉक्टर की परमिशन लेने के बाद व्यायाम करें। ऐसे सिर्फ अपने मन से हमें वीडियो देखकर व्यायाम नहीं करना चाहिए। 4, जो जरूरी चीज है, संगीत का सुनना। गर्भावस्था में संगीत सुनने के कई फायदे हैं, जैसे सेरोटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन होता है, संगीत से बच्चों की इंद्रियों का डेवलपमेंट होता है, साथ ही संगीत मस्तिष्क के विकास के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। पर जिस तरह रात दीपक से दीपक जल उठती थी, राग महलास से बारिश आ जाती थी, उसी प्रकार गर्भावस्था के हर महीने के लिए विशेष गीत संगीत बताया जा रहा है। नंबर 5 है, आपकी आवाज़ सुनना। 25वें से 26वें सप्ताह के बाद में तो बच्चे गर्भ के बाहर की आवाज़ सुनने वाली आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, लेकिन माँ की आवाज़ सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय होती है और सबसे ज्यादा सुनी हुई लगती है। इसीलिए माँ को ज्यादा से ज्यादा अपने संतान से संवाद करना चाहिए। आपका संवाद उसे आराम और आश्वासन भी देता है, उन्हें संकेत देता है कि सब कुछ ठीक है। इसीलिए प्रत्येक माँ को अपने संतान की खुशी के लिए नित्य संवाद अवश्य करना चाहिए। 6वां नंबर है, आपका स्पर्श। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं आपके बच्चा आपके स्पर्श को 8वें सप्ताह के आसपास से ही महसूस करने लग जाते हैं, और 20वें सप्ताह के आसपास बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपके स्पर्श को रिस्पॉन्स भी करने लग जाते हैं। इस अवधि के दौरान आप रोज कुछ देर पेट पर हाथ अवश्य फेरिए। उनसे जो भी आप वार्तालाप कर रहे हैं उस दौरान अपने पेट पर हाथ जरूर रखिए। यह क्रिया आप अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकती हैं। उन्हें भी कहिए कि वे पेट पर हाथ रखकर कुछ समय संतान से संवाद अवश्य करें। इसी के पश्चात संतान अंदर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 7 है, मीठे खाद्य पदार्थ। बच्चे 13वें से 15 सप्ताह के बीच में बच्चे विभिन्न स्वादों में अंतर करना शुरू कर देते हैं। आपके एनिमेटिव दर्व का स्वाद भी आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की तरह ही होता है, और बच्चे इसे निरंतर निगलते ही रहते हैं। अतः
विभिन्न स्वादों को पहचान जाते हैं। कहीं रिसर्च बताती है कि जो बच्चे हैं वो विशेष रूप से मीठी चीजों की शौकीन होते हैं और इसी तरह का शौक उन्हें बाद में माँ का दूध पीने के लिए भी प्रेरित करता है। आठवां और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण है इस समय माँ का आध्यात्मिक रहना। बताया जाता है जब माताएं पूजा ध्यान मंत्र स्वार्थन करती है तो अंदर में संतान जो आत्म स्वरूप में है वो बेबी आत्मनिंद आनंद महसूस करता है। इसीलिए घर के सभी बड़े इस गर्भवती माँ को गीता रामायण का पाठ और सभी पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए कहा करते थे, जिससे आज भी हम अपने संतान को अधिक प्रशंसा पहुंचा सकते हैं। देखिए गर्भावस्था में अधिक से अधिक सकारात्मक रहना, खुश रहना और आध्यात्मिक रहने का समय होता है। अगर आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप यह अनुभव करेंगी कि आपका संतान जो है वो तो गर्भ में आनंद पूर्वक रहता ही है, साथ ही बाहर आने पर भी उनका स्वभाव प्रसन्न भाव का होगा। इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत स्वस्थ और खुशियों के साथ जिए। यही प्रार्थना और यही दुआ के साथ आज का हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।